साथियों, देश की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सही दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस सरकार को 100 दिन हो रहे हैं और इन 100 दिनों में ही ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो अभूतपूर्व भी है, ऐतिहासिक भी है। जल जीवन मिशन की शुरुआत हो या फिर देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने का फैसला हो, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक के संकट से मुक्ति दिलाने वाला कानून हो या बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कानून, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार के इन फैसलों और इन कार्यों के बीच, आपकी सेवा के बीच, मैंने एक और संकल्प लिया है। ये संकल्प है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसरों पर अपने दायित्वों के प्रति सजग करने का। एक भारतीय एक संकल्प, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के 75 साल होने वाले हैं, हमारे लिए नया मंत्र है, स्वराज हम देशवासियों का कर्तव्य है। एक भारतीय एक संकल्प के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपना तय किया हुआ संकल्प, एक तो आप संकल्प जरूर करें और जो संकल्प करें देश हित के लिए करें, और संकल्प पूरा करने के विषय में कभी भी पीछे न हटे। आप लोग मुंबई के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं। वैसे एक सुझाव मैं आपको अभी ही दे सकता हूं, आप मानेंगे क्या? आवाज थोड़ी धीरी हो गई, मानेंगे? पक्का मानेंगे? पूरा करेंगे? अकेले भी करेंगे, मिलकर के भी करेंगे? साथियों, बप्पा की विदाई के दौरान, साथियों बप्पा के विदाई के दौरान बहुत सारा प्लास्टिक और दूसरा वेस्ट हमारे समंदर में चला जाता है। इस बार हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सामान जो जल प्रदूषण बढ़ाता है उसको पानी में नहीं बहाएंगे। इतना ही नहीं, विसर्जन के बाद हम अपने अपने स्तर पर समंदर से, मीठी नदी सहित पानी के दूसरे स्रोतों को प्लास्टिक मुक्त करने में जुटेंगे। आप ये काम करेंगे? जरा पीछे से आवाज आ जाए, करेंगे? पक्का करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यही उत्साह पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।